नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के हनुमान चालीसा के पाठ पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह का भटकार शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं हर व्यक्ति हनुमान चालीसा पाठ करे। कांग्रेस चुनाव के समय राम को याद करते हैं। विदेश में राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहेंगे। राहुल गांधी बताएं कि क्या मुस्लिम लीग सेक्युलर है? राहुल गांधी को 150 का मतलब भी नहीं पता है। चैलेंज है कि वो एक से लेकर 150 की गिनती सुनाए। किसी ने लिख कर दिया और राहुल गांधी ने पढ़ दिया। देखिए किस तरह से यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के हनुमान चालीसा पाठ पर कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भूला नहीं कहते हैं, और इसी के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 100 से लेकर 150 तक की गिनती नहीं पता है। बिल्कुल, अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। और बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 से ज्यादा सीटें मिलनी जा रही हैं। तो इस जो राहुल गांधी का बयान था, वो कमलनाथ भी उनके साथ खड़े थे। तो जब आज मंत्री विश्वास सारंग से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 150 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, तो जिसको लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी को 150 का मतलब भी नहीं पता होता। राहुल गांधी को तो जो कोई लिख के दे देता है वो उसकर ही पढ़ के दे देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज भी किया कि अगर राहुल गांधी इतना बड़ी बात कह रहे हैं तो वो 100 से लेकर 150 तक की गिनती भूल कर बताएं। उसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी से भी कहा कि अब तक उन्होंने राहुल गांधी को क्यों बड़ा नहीं किया, मुझे अब तक समझ में नहीं आता। राहुल गांधी बच्चों की पुलिस जिस तरह की बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी। तो देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह की जो बयानबाजी है वो निकल कर सामने आती रहेंगी, और बयानबाजी का जो दौर है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के लिए कहा है और इसके साथ ही चैलेंज दिया है कि राहुल गांधी 100 से लेकर 150 तक की गिनती सुना दें। किसी ने लिखकर दे दिया तो राहुल गांधी पढ़ लेंगे, नहीं तो वे 150 तक की गिनती नहीं पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस के हनुमान चालीसा के पाठ पर भी सारंग ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुबह का भटकर शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भूला नहीं कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी तो चाहती है कि हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे।